हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में, और 11,650-700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने आपको कल वीडियो में क्लियरली बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 11,650 अगर क्रॉस करता है तो एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, वरना यहाँ से वापस हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो अभी भी व्यू वही है, कल के सेशन में भी देखना पड़ेगा। 11,650 अगर क्रॉस कर लेता है वापस, तो वापस 12,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, 11,650 एक क्रूशियल लेवल होगा। अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी क्लियरली ऊपर ही है, आप देख सकते हो, और 11,650 मैंने आपको लेवल बताया, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर 12,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अभी भी ऊपर ही आप देख सकते हो, बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखो लास्ट 5-6 दिन से काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिला है, तो इतना बड़ा रनअप के बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है। सो विल वेट एंड वॉच। लेकिन इसने आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट जरूर दिया है, इसने ब्रेकआउट जरूर दिया ये लेवल के ऊपर, करेक्ट, और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है ऑलरेडी 25,000 तक का। सो अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखता है तो 25,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हेवल सेल दिया था, बट मैंने जो सेल का लेवल दिया था उसके नीचे प्राइस गया ही नहीं, तो सेल लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है। मैंने आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाई दिया था, बट इसमें भी जो मैंने बाई लेवल दिया था वो बाई लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। एंड बंधन बैंक मैंने आपको दिया था बाय, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है, और 300 के ऊपर मैंने बाय दिया था, 303-304 के आसपास ओपन हुआ ये। एज पर आवर रूल हम लोग इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझ में आता है तो गैप अप ओपनिंग हुआ था तो दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और उसके बाद प्राइजेस आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ऊपर ही गया है। इसमें मैंने ट्रेड किया था, 304 पे बाई किया था मैंने, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लिया था, और 308-309 के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अगर आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्रूशियल लेवल पे, ये डेली चार्ट है और आप रेंज देख सकते हो, लास्ट 5 दिन से कंटिन्यूअसली एक सिंपल रेंज में है। आज का जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनाया है, मुझे लगता है यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है टाटा कंज्यूमर में। नेक्स्ट स्टॉक होगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर भी अगर आप देखो एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न है, और इसने एक और ये सपोर्ट तोड़ दिया, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है और 350 के नीचे क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक 7-8 रुपए का डाउनफॉल और हमें देखने को मिल सकता है। सो टोरेंट पावर काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा डिविस लैब। डिविस लैब मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगा है क्योंकि अगर आप देखो ये कंसोलिडेट कर रहा था और एक आज फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल में देखने को मिला है, मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।